हरी शरणम 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 हरी शरणम। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रभु कृपानंद की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण प्रणाम भाई। बाबूजी आई गए मिलो। हाँ आई गया भैया, माइक ऑन करवा की रिक्वेस्ट है। वो ऑन कर दो। हाँ करो। ऑप्शन दिए हुए बाबूजी ने, ऑन करी जो। ऑन कर दिया नीलू। हाँ वीडियो आएगी बाबूजी। हाँ एक मिनट आ रहे हो भैया। वो वीडियो भी कैसे दिखेगा हाँ आ गए, वीडियो भी आ गए। भैया दिख रहे हैं बाबूजी, देखो। था। हाँ बाबूजी प्रणाम करो। हाँ प्रणाम। से विश्वनाथ जी। आवाज आ रही है बराबर बाबूजी? हाँ एकदम आ रही है बाबू जी। एक तो संभाषण जी को भी सब हिंदी में करना है क्योंकि हाँ ठीक है। सब भारतवर्ष से लोग जुड़े रह रहे तो वे हिंदी ज्यादा पसंद करे। हाँ ठीक बात है। हिंदी में नारायण नारायण। सभी सत्संगी भाई बहनों को नारायण नारायण। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जो हमारे भी साधक संजीवनी ग्रुप चल रहा है सोम से शुक्रवार, उसमें प्रति शुक्रवार को हम लोग अपने महापुरुषों के जीवन संबंधी चर्चा करते हैं। इस विषय में और भी लोग पहले आए थे, पिछली बार साधु श्री नवलाम जी महाराज आए थे। इस बार इसमें बाबूजी ने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। वर्तमान में आप गीता प्रेस जो संस्थान है उसके सभापति महोदय हैं, तो बाबूजी को पुनः पुनः प्रणाम कि उन्होंने अमूल्य समय में से कुछ समय हम सब लोगों को सबको दिया। तो हम बाबूजी से वार्ता चालू करते हैं। बाबू जी आप लगभग ऐसा यहाँ से शुरुआत करते हैं थोड़ी सी कि आप सेठ जी के संपर्क में कब आए लगभग? 1957 56 में। अच्छा हाँ, तो उस समय तो सेठ जी थे। 65 में शरीर गया था सेठ जी का तो? हाँ 65 में गया था शरीर। अच्छा और मेरा विवाह गोरखपुर में हुआ था। अच्छा तो उसमें सेठ जी भी उपस्थित थे सेठ क्या? सेठ जी के ही माध्यम से ये सारा कार्य संपन्न हुआ। सेठ जी मेरे विवाह में उपस्थित थे, मतलब अच्छा 13 के समय भी सेठ जी बैठ कर के उनके सामने उनकी सन्निधि में अच्छा सारा काम हुआ। ये तो उनके सानिध्य में हुआ सब काम। तो बाबूजी आपके कोई मतलब पिताजी और भी शुरू से सेठ जी के सत्संगी थे या आप ही संपर्क में आए? नहीं मेरे पिताजी तो पहले पिताजी के ही कारण मैं भी संपर्क में आया। अच्छा पिताजी गोरक्षा आंदोलन में थे, सत्याग्रह में स्वामी कृपात्री जी महाराज के साथ। कलकत्ते में गोरक्षा आंदोलन चल रहा था और उस हाँ समय सोनलाल जी दुग्गड़ के द्वारा एक सत्याग्रह का जत्था गया। उसमें 50,000 आदमी थे। एक जी आदमी की मृत्यु हो गई तो बिधानचंद राय की सरकार थी, उसने काफी सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जी और जी
कृपाती जी, स्वरूपानंद जी और जितने लोग भी इसमें सहायक थे, अपने मारवाड़ी सज्जन भी बहुत सारे थे, वो सब के सब अरेस्ट हो गए और छापा मार करके कार्यालय भी बंद कर दिया गया। पिताजी के पास स्वामी जी का खबर आई कि आप तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ नहीं तो आंदोलन बंद हो जाएगा। वो मंत्री थे उस गोरक्षा धर्मयुद्ध समिति के, तो 6 महीने तक वो साधु के वेश में रहे। अच्छा। सेठ जी और भाई जी से उनकी मुलाकात होती थी, सबसे मुलाकात नहीं हो सकती थी उसी समय से। प्राय सेठ जी से उनका ज्यादा संपर्क बना, भाई जी से, सेठ जी से, दोनों से ही। अच्छा। विवाह के माध्यम भी सेठ जी ही थे। तो अब बाबू जी थोड़ी सी सेठ जी के विषय में कुछ बताइए हम लोगों को, सब हमारे सत्संगी भाई बहन भी सुने कि सेठ जी का जीवन। दास जी के छोटे भाई मोतीलाल जी जालान थे, उन्हीं की लड़की से मेरा विवाह हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। अंतरंग थे, घनश्याम दास जी भी अंतरंग थे और मोतीलाल जी भी अंतरंग थे। अच्छा, घनश्याम दास जी जालान, और जिनकर का नाम तो कई बार आता है सेठ जी के प्रवचन में। घनश्याम दास जी तो मुद्रक प्रकाशक थे और गोरखपुर में जो गीता प्रेस की स्थापना हुई उसमें मुख्य कारण घनश्याम दास जी ही थे। जब ये विचार किया गया कि गीता प्रेस की स्थापना की जाए तो घनश्याम दास जी गोरखपुर के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि यदि गोरखपुर में गीता प्रेस बनेगी तो मैं अपना पूरा समय गीता प्रेस को दे सकता हूँ, वहाँ करूंगा। और वो बड़े उत्पन्न व्यक्ति थे, अकाउंट्स हिसाब किताब की हर बात में वो काफी उनका अच्छा अनुभव था, तो वहाँ गोरखपुर में। फिर नहीं तो गीता प्रेस के लिए काशी भी थी, प्रयाग भी था और बहुत सी जगह थी, कहीं भी बन सकता था। अच्छा, तो सेठ जी से आप कैसे प्रभावित हुए फिर? विवाह के बाद पहली बार जब मैं वहां गया ऋषिकेश जी, तो ऋषिकेश में सेठ जी के पास ज्यादा रहता था मैं। अच्छा। और सेठ जी के ऐसा था कि पिताजी तो गोरक्षा आंदोलन में कारागार में थे, जेल में थे। उन्होंने पत्र लिखा सेठ जी को मेरे बारे में, कहा कि इसको आप अपने पास रखिएगा और उसके पढ़ाइएगा और इनको वहाँ। एक तीसरी बात और लिखी थी कुछ, माने सेठ जी ने मुझसे कहा कि तेरे पिताजी को पत्र आयो है, तीन बात लिखी है। एक तो लिखियो कि थारे कन्न राखियो से मेरे कन्न रोई हो, पत्र भी देते जाते थे। दूसरी बात कि संस्कृत पढ़ा तो इसकी व्यवस्था करेंगे जी। और तीसरी बात कुछ और थी, हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या। जी जी। तो मैं सेठ जी के पास रहता था, फिर वहाँ बढ़ के नीचे सत्संग हुआ करती थी सवेरे के समय। जी जी। तो 3-4 लोगों का सत्संग चलता था, भाई जी 7 बजे से 8 बजे तक भाई जी बोलते थे, 8 से हाँ सुबह जी, 8 से 9 शरणानंद जी का होता था, हाँ स्वामी जी का होता था, 10 से 11 सेठ जी का होता था। अच्छा। और वहीं 11 बजे वहीं पर लोग, स्वामी जी भी उधर ही रहते थे एक जगह कुटिया बना करके, हाँ हाँ 7 नंबर के पास ही रहते थे, और सेठ जी भी वहीं गाछ के नीचे सब लोग भोजन कर लेते थे। और उसके बाद फिर वो जो कुटिया एक बनी हुई है सामने, हाँ हाँ में बैठ जाते थे। महाभारत का उस समय प्रूफ रीडिंग चलता था, वो जो ऊपर जो कुटिया बनी है जो अभी भी जिसको सेठ जी की कुटिया बोलते हैं, हाँ 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 उसी कुटिया में बैठते थे जी। 11 बजे के बाद उस कुटिया में चले जाते थे 11:30-12 बजे हाँ। और वहां पर सेठ जी, भाई जी और हरकिशन दास जी जो सेठ जी के छोटे भाई थे जी, बैठ करके महाभारत का प्रूफ देखते थे। अच्छा। दास जी तो पढ़ते थे और सेठ जी और स्वामी जी सुनते थे। अच्छा। एक एक लाइन सुनी जाती थी, मैं भी वहीं बैठता था उनके पास। अच्छा। देखकर आश्चर्य होता था, वहां ना तो पंखा था ना और कुछ था, और वो ये लोग 2 घंटे तक, लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक इस कार्य को करते थे जी। तो मैं 2-3 दिन मैं भी बैठता रहा। अच्छा। मेरे मन में ये बात आई, हाँ ये तो कमर भी सीधी नहीं करते हैं, खाने पीने के बाद में
आराम करते हैं और कुछ करते हैं, बड़ा कठिन काम है, ऐसा मन में मेरे विचार आया। अच्छा, देख करके। और फिर उसके 2 बजे के बाद वहाँ फिर सत्संग शुरू हो जाता था बड़ के नीचे। अच्छा, सत्संग दोनों जगह होता था, वहाँ अपने भवन में भी होता था ऊपर हॉल में जी, और यहाँ भी होता था। जो लोग वापस चले जाते थे भवन के सत्संग में रहते थे, और यहाँ के सत्संग में जो यहाँ रह जाते थे, बहुत से लोग इधर रह जाते थे, उनका सत्संग यही होता था। सेठ जी भी प्राय बड़ के नीचे ही सत्संग करते थे, 4 से 5 सेठ जी का समय रहता था प्राय। अच्छा, सत्संग चलता था। तो स्वामी जी ने, ये सेठ जी ने एक दिन स्वामी जी से कहा मेरे लिए। हाँ, स्वामी जी से बाबू जी, बीच बीच में आवाज कट रही है। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है। सेठ जी ने स्वामी जी से कहा कि थे इन्होंने 1 घंटा पढ़ाया करो। अच्छा, स्वामी जी का तो, स्वामी जी तो सेठ जी के अंध अनुयायी थे जी। जो सेठ जी के मुंह से निकल जाए बात, उसे स्वामी जी तुरंत स्वीकार कर लेते जी। थे। तो स्वामी जी के बोलने के पहले ही हरकिशन दास जी बहुत नाराज हुए सेठ जी। अच्छा, पर बिगड़े माने केवल एक हरकिशन दास जी ऐसे थे जो सेठ जी को चाहे जब भी उन पर नाराज हो सकते थे, बोल सकते थे, और तो किसी की हिम्मत थी नहीं, सेठ जी को कोई कुछ कह अच्छा, नहीं सकता था। अच्छा, आज जो उनके छोटे भाई थे वही हाँ, सेठ जी को चाहे सो बोल बोल देते। अच्छा, उन्होंने कहा कि इन्होंने आपका नित्य नेम की तो टेम ही को नहीं, और इना करने कोई समय को नहीं, और थे ना जी को आगे से आगे कोई ना कोई नई बात इन्होंने उड़ा दो। अच्छा, उन्होंने इस तरह से स्वामी जी के सामने कहा। और वो बात फिर उस समय खत्म हो गई, आई गई हो गई। वो सेठ इसका न स्वामी जी ने कोई जवाब दिया और न सेठ जी ने कुछ जवाब दिया। अच्छा, और तो ये बात हरकिशन दास जी का स्नेह हमारे पर भी रहता था। अच्छा, अंदर बहुत अच्छे थे, लिखते थे सेठ जी के पत्रों का जवाब भी वो लिखते थे, खास खास जो पत्र आते थे सेठ जी के। अच्छा, उत्तर भी हरकिशन दास जी लिखा करते थे, और कभी कभी वो मेरे सामने कहते थे कि देखो मैंने केवल 1.25 महीने व्याकरण पढ़ा है, और इस तरह वो प्रसन्न होते थे ये बात कह कर के। अच्छा, उन्होंने मेरे से कहा कि वो एक मेरा नाम तो मतलब ज्येष्ठा राम जी था शायद नाम, या हाँ पंडित ज्येष्ठा राम जी थे। हाँ, तो वो ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले प्रधानाचार्य थे, और उसके बाद जब वो काफी वृद्ध हो गए तो उसके बाद वो यहाँ आ गए ऋषिकेश में, गीता छत पर एक छोटी कोठली में रहते थे जी जी। और हरकिशन दास जी ने हमसे कहा कि ज्येष्ठा राम जी से पर्चा करो। अच्छा, ज्येष्ठा राम जी की स्थिति ये थी कि उनको न तो दिखाई पड़ता था, अच्छा, न उनको सुनता था, और न वो ठीक से बोल पाते थे। अच्छा, मुझे पता था, मैं भी उनसे मिल चुका था, सब देख लिया था। तो हमने मन में सोचा कि हमको इन्होंने ऐसे ही बता दिया एक अच्छा नाम, पर उनसे हम क्या पढ़ते उनसे। अच्छा, इस प्रकार की एक चर्चा उस समय की है, उस समय हुई थी। आपने पूछा तो मैं आपको बता दिया। हाँ, तो बाबू जी वो और भी कई एक एक राम गोपाल जी अपने यहाँ थे ऑडिटर। अच्छा, वो आए हुए थे और वो जा रहे थे वापस कलकत्ते अपने स्थान पर। अच्छा, उनका ही बोट चलता था, और कोई बोट वगैरह कोई वो सरकारी बोट नहीं थे, ना कोई ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं था गंगा पार करने के लिए। और ज्यादा बाढ़ आ जाती थी तो लोगों को पैदल लक्ष्मण झूला से पार करना पड़ता था। जी जी, तो वो जा रहे थे गीता, कुछ बाढ़ तो आई हुई थी पर गीता बोट से जा रहे थे तो पंखी में रस्सी टूट गई। अच्छा, बहने लगा, बह गया। अच्छा, उस समय बहुत तेज बहाव था और पत्थर बीच बीच में निकले हुए रहते थे जी। तो कभी भी बोट टकरा करके उलट सकता था जी। जैसे ही बह गया बोट तो वैसे ही लोग भाग करके सेठ जी के पास आए, और उस समय सेठ जी शायद ऊपर भवन में ही व्याख्यान कर रहे थे, 5 बजे की बात है लगभग, 4-5 जी जी जी। तो उनके हॉल में वो प्रवचन कर रहे थे सेठ जी, प्रसंग कर रहे थे जी। लोगों ने कहा उनसे कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, तो सेठ जी ने प्रवचन बंद किया
और तुरंत दौड़े सेठ जी, और उनके पीछे पीछे सत्संगी लोग भी थे, हम भी वही थे उस समय, हमने सारा देखा और सेठ जी बढ़ के नीचे तक दौड़ते हुए चले गए, चाहे जैसे भी इनको बचाओ, बचाना बचना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या वो सेठ जी बड़े इस बात के लिए ये हुए चिंतित से हुए, और फिर भगवान की कृपा थी, सेठ जी का संकल्प था और वो आगे चल करके त्रिवेणी घाट के पास, मतलब ऋषिकेश की तरफ बहता बहता आगे जाकर के थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा। तो एक ऋषि का लड़का एक बैठा था उनके साथ, उनका ही साथी था वो, उसने उसने वो खेमचंद उस समय चलाया करते थे, तो उसे कहा कि भाई चप्पा निकालो अब कम से कम, तो उसने कहा कि हम अकेले क्या करेंगे, तो उसने कहा हम भी हैं साथ में कोई बात नहीं, और इस तरह से वो लोग किनारे लग गए त्रिवेणी घाट। वापस आए लक्ष्मण झूला होकर के, वापस आए, सेठ जी को प्रणाम किया और उसके बाद फिर उनको भेजा गया वापस। अच्छा, ये सब सेठ जी का प्रभाव और भी दिखाते थे वो अपना कभी कभी। क्या कहा आपने? सेठ जी अपना प्रभाव दिखाते थे कभी कभी, था कि सेठ जी का तो स्वभाव क्या, सेठ जी तो कभी कभी कई बार वहां जाते थे बढ़ के नीचे, हाँ। मैं साथ रहता था तो मेरा हाथ पकड़ के भी चलते थे। अच्छा। और कभी कभी वो प्रसन्न होकर कहते थे कि देखो 18 घंटा समय हमारा सदुपयोग हो रहा है, 18 घंटे का समय भगवान की कृपा से इसमें लग रहा है। अच्छा। सेठ जी का के कुछ अंतरंगी सत्संग भी थे, सत्संगी थे जो टेस्टी थे, और वो 10 नंबर कमरे में सत्संग चला करता था, 1 घंटा सत्संग वो भी चलता था। अच्छा। यहाँ आने के पूर्व सेठ जी वहाँ 1 घंटा बैठकर उन लोगों के साथ भी बैठते थे, उसमें रामनारायण जी हरिलाल जी और अपने टेस्टी थे ना पटना वाले, उनका नाम राम नारायण जी तो था। अच्छा बाबू जी, हमारे को तो याद नहीं, पुरानी बात है। आवाज कट गई थोड़ी। 5-7 लोग हाँ उसमें बैठते थे, 5-7-8 आदमी जो उनके सेठ जी के बहुत अंतरंग थे। अच्छा। तो लोग बैठते थे, और ये आपके ये भी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था, अखंडानंद जी महाराज। अखंडानंद जी नहीं, अपने मारवाड़ी थे ना वो, आजकल मैं नाम भूल जाता हूँ। कन्हैयालाल जी दुग्गड़। नहीं नहीं, कन्हैयालाल जी दुग्गड़ भी नहीं, वो तो सनानंद जी के उसमें चले गए थे। ये सेठ जी के ट्रस्टी भी थे, वो ट्रस्ट में भी थे, कलकत्ते के ही थे होने के लिए, तो नाम देखिए मुझे याद आ जाएगा तो बोलूंगा। जी जी, तो ये लोग सब बैठते थे और वहाँ सेठ जी के साथ अंतरंग चर्चाएं, सत्संग की बातें चलती थी। तो वो अंतन चर्चा में आप भी बैठते थे क्या? एक दिन सेठ जी ने कहा कि सारा काम मेरी इच्छा से हो रहा है। अच्छा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, बोले आपकी इच्छा से कैसे हो रहा है, देखो बताऊंगा। फिर उन्होंने लोगों ने उनसे आग्रह किया, पूछा, तो बोले कि भगवान की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है, इसलिए भगवान से सब हो रहा है, तो हमारी इच्छा से भी सब काम वही हमारी इच्छा से। जी जी, सेठ जी की बातें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। दूसरा, सेठ जी का एक स्वभाव और सिद्धांत ये था कि कम खर्च में लोग सत्संग में आए और कम से कम खर्च हो उनका, ज्यादा खर्च ना हो, और वो आत्मभाव से वहां रह करके सत्संग करें। तो एक बार ईश्वरी प्रसाद जी गोयनका, जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी थे और सेठ जी के बहुत निकट के व्यक्ति थे, वो आए, वो कलकत्ते के थे, बड़े आदमी थे, वो हर साल तो कभी आते नहीं थे, 1 साल हुआ है वहाँ ऋषिकेश में सत्संग में, तो जाने के समय वो वैसे फंड में 5,000 रुपया देना चाहते थे, उस समय 5,000 रुपया बहुत कीमत था, बहुत सस्ती का समय था ना। जी जी, तो 5,000 रुपया देना चाहते थे, स्वीकार नहीं किया, कहा अच्छा। तो कुछ हम नहीं लेंगे, तो बहुत उनके आग्रह करने पर भी सेठ जी ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा। तो लोगों ने पूछा उनसे, रहे वहां सत्र में एक बार सत्संग में चंदा होता था सत्संगियों का,
बेस्ट फ्रेंड में, बेस्ट फ्रेंड में, और उसमें जो सत्संगी रहते थे वो अपनी इच्छा से जो कुछ देना चाहते थे देते थे, पर सेठ जी पूरा पैसा लेते नहीं थे। कोई ने कहा कि हम 1000 रुपया हम अपना देना चाहते, तो कहते नहीं तेरा 500 बहुत है, 200 बहुत है, फिर 500 में नक्की होता। कम पैसे लिए जाते थे सेठ जी, कम पैसे जी थे। उन्होंने जब जमा कराना चाहा तो उनका नहीं लिया गया, तो कुछ एक सत्संगी ने सेठ जी से पूछ लिया, अंतरंग सत्संगी ने, सेठ जी थे उन्होंने कहा पैसा बेस्ट फ्रेंड में क्यों नहीं लिया, तो आग्रह करा था ना, बोला कि मैं इलिया को नहीं लिया कि सत्संग का नाम लिखा जाता, तो सत्संग में गया था बैठा तो बैठा इतना रुपया खर्च होया। अच्छा। मैं या को नहीं चाहूँ कि सत्संग में जिका लोग आवे उनका ज्यादा पैसा खर्च होगा ज्यादा। अच्छा। तो इस प्रकार से सेठ जी का, दूसरी बात सेठ जी का वहाँ ये था कि ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में बीतना चाहिए, इसलिए होता था प्रातः काल वहाँ गबड़ के नीचे, फिर एक बार यहाँ दोपहर में यहाँ होता था भवन में चाहे बड़ के नीचे, एक बार शाम के टाइम होता था, और फिर सेठ जी संध्या करने के लिए टिबड़ी पर जाते थे। अच्छा। अंतरंग सत्संगी बैठते थे तो संध्या करने के बाद 10-20 मिनट वहाँ भी कुछ होती थी, सवेरे 5 बजे सेठ जी का प्रार्थना का सत्संग भी होता था जिसमें भगवान का ध्यान साकार। शाम को जो आप बाबूजी बीच में आवाज कर गई थी, शाम को जो टिबड़ी पे जाते थे तो उस समय क्या करते थे फिर? संध्या करते थे वहाँ। अच्छा, संध्या करते थे। टिबड़ी पर संध्या होती थी। हाँ हाँ। और वो वहाँ कुछ अंतरंग लोग उनके साथ जाते थे, वो भी वहाँ बैठते थे। अच्छा। वो लोग भी इतनी संध्या कर लेते होंगे, या वो इस लोभ से जाते थे कि सेठ जी कुछ बातें कहेंगे। अच्छा। संध्या करने के बाद वहाँ कुछ विशेष सत्संग की बातें चलाते थे कुछ। अच्छा। उसमें सार्वजनिक नहीं था, जो उनके खास सत्संगी थे वो लोग, जिनको मालूम था वो लोग जाते थे, 10-20 आदमी बैठते थे वहाँ। तो बाबू जी अंतरंग, कभी अंतरंग वार्ता में आपको भी शामिल होने का मौका पड़ा क्या जी? अंतरंग वार्ता में आप भी शामिल हुए क्या? लोग से कभी ज्यादा तो नहीं हम बैठे, सुनते थे कई बातें। सवेरे 5 बजे भी सेठ जी की प्रार्थना सभा होती थी। अच्छा। 5 बजे भी सेठ जी करते थे प्रार्थना, करते उस समय स्वामी जी का नहीं होता था, सेठ जी का होता था। अच्छा। और तो उसमें वो भगवान का ध्यान कराते थे, कभी साकार विष्णु भगवान का साकार रूप में ध्यान कराते थे, कभी निराकार रूप में भी ध्यान कराते थे, ये होता था। और कभी कभी जैसे लोकनाथ जी झांझनिया थे भागलपुर के, वो कभी आते थे, और कोई खास विशेष व्यक्ति आते थे, उनको निराकार का ध्यान चाहते थे सेठ जी से सुनना, तो जंगल में भी सेठ जी की सत्संग होती थी, उसमें भी हम गए हुए हैं, गए हैं कई ऊपर जंगल में वटवृक्ष के ऊपर। हाँ, वटवृक्ष से और आगे। हाँ, वहाँ गाछ के नीचे जंगल का वातावरण रहता था, वहाँ सेठ जी बैठते थे, और उनके साथ जो लोग जाते थे वो बैठते थे। अच्छा। वहाँ निराकार ब्रह्म का ध्यान ज्यादा करके सेठ जी कराते थे, आनंदी आनंद, ध्रुवानंद, अचलानंद, सत्यानंद, परमानंद, आनंदी आनंद, और कितना सुंदर सुहावना दृश्य है, ये मतलब निराकार ब्रह्म की आराधना और उसका ध्यान सेठ जी वहां पर कराया करते थे। आपने भी ध्यान किया बाबूजी कभी? सेठ जी के सानिध्य में? क्या कहा आपने? सेठ जी के सानिध्य में आपने भी ध्यान किया था? हाँ, तो मतलब वो जब उन्होंने कराया तब किया था, मैं बराबर नहीं बैठता था सवेरे के सत्संग में, रोज नहीं बैठता था, कभी कभी बैठता था। अच्छा अच्छा। और तो किया है हमने। वैसे साकार प्रभु का ध्यान उन्होंने कराया, जिसमें उन्होंने वो उसमें वो षोडशोपचार पूजन भी कराते थे भगवान का। अच्छा। ये सब उनका। और निराकार ब्रह्म के ध्यान में भी हम बैठते थे, ये जंगल की सत्संग में तो हम गए हैं कई बार सेठ जी के साथ। कई बार अच्छा। मतलब ज्यादा तो होती नहीं थी, कभी कदाचित संयोग से होती थी, तो उसमें हम गए हैं। और सेठ जी के जी कई विशेष बातें थी। हाँ।
जैसे उनका त्याग का त्यागमय जीवन था जी। एक साथ जब भोजन करते थे तो तीन वस्तु से ज्यादा नहीं लेते थे जी जी भोजन में जी। इसी केस में जब रहते थे तो कपड़े भी वो प्राय तीन ही पहनते थे, पगड़ी नहीं पहनते थे, और एक चद्दर और एक धोती और एक वो अंगरखी। अच्छा। बड़े सामान्य ढंग से रहते थे तो उनका ये कई बातें उनकी बड़ी विशेष बातें थी और नियम उनके बहुत थे। अच्छा। जैसे बलि वैष्णदेव किए बिना वो भोजन नहीं करते थे। बलि वैष्णदेव का महत्व इसलिए बताया कि एक तो गीता के तीसरे अध्याय में शायद पांचवा श्लोक है, नहीं भुंजन्ते ते तुगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने जी ये भोजन बनाता है वो पाप का भोजन करता है जी। तो इसलिए यज्ञ के रूप में संपूर्ण त्रिलोकी को और संपूर्ण भूत संपूर्ण प्राणियों को भोजन देकर, तो ये ऐसे तो संभव है नहीं, पर अपने शास्त्र की प्रक्रिया है कि इसमें सबको भोजन करा करके स्वयं भोजन करना। उसमें तेरवां श्लोक है बाबूजी, पांच ये तीसरे का तेरवां श्लोक है क्या है क्या? हाँ तेरवां है। जी आवाज नहीं आ रही है। अभी हम बता रहे हैं। हाँ तेरवा एक मुझे ये। हाँ तेरवा। हाँ हाँ पापा ये पचनचात्म कारणात जी जी, जो तो अपने लिए केवल भोजन बना करके करता है वो पाप को ही खाते हैं। हाँ हाँ तो इसलिए सेठ जी का ये भाव था कि हर व्यक्ति को बलि वैष्णदेव कर कर ही भोजन करना चाहिए, और अच्छा। इसलिए इसके लिए एक पर्चा छपवाया था। हाँ हाँ बलि वैष्णदेव की सारी प्रक्रिया लिखी हुई थी और हाँ। उसको उन्होंने गीता प्रेस से प्रसारित किया था और वे स्वयं इतने अपने रामेश्वर जी मुद्रा है ना, अभी भी है ना गीता भवन में, जो गीता भवन में वो सेठ जी के साथ रहते थे। तो उन्होंने हमसे एक दिन बताया कि इस अपने जो हाँ क्या बोले उन्होंने रामेश्वर जी बाबू जी ने क्या बोला, सोच इत्यादि कभी हो जाते हैं, जन्मा सोच मृत्यु सोच इत्यादि सोच जो हो जाते हैं ना, जन्मा सोच हाँ हाँ मरना सोच, ये सब हम लोगों को हो जाते हैं ना कभी परिवार में, कहीं कोई ये सोच हो गया उसमें सारे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं पूजा पाठ के जी। बलि वैष्णदेव भी नहीं हो सकता है जी, जी। अंत में 10 दिन का बलि वैष्णदेव करवाते थे उनसे। अच्छा ऐसा उन्होंने कहा, हमको तो पता नहीं, ये रामेश्वर जी मुंद्रा ने हमसे बताया। अच्छा हमने सुना है कि कभी गलती से अगर कोई बिना बलि वैष्णदेव के अगर जूठ पड़ जाती थी चौके में तो सेठ जी के लिए दूसरी रसोई बनती थी और बलि वैष्णदेव होने के बाद ही भोजन करते थे वो। अच्छा। में वो पुरुषोत्तम जी गोयनका थे ना जी, वो पटना में थे, सेठ जी भी वहीं थे गए हुए थे, उनके पिताजी राम नारायण जी उन्हीं का नाम हमने कहा अभी तो। अच्छा। हाँ हाँ। था। तो जी गौतम जी पहले भोजन कर लिए वहाँ, जो समय बलि वैष्णदेव नहीं हुआ था तो हाँ, मालूम होने पर दूसरी रसोई बनी और उसका बलि वैष्णदेव हुआ तब सेठ जी ने भोजन किया। अच्छा। ये बात उनको गौतम जी ने बताई थी जी जी। तो संध्या पे भी सेठ जी का बहुत जोर था बाबूजी। हाँ संध्या का जोर था, संध्या तो समय से करना करने की बात करते थे। जैसे प्रकरण तो ये है कि संध्या अगर देर हो जाए तो प्रायश्चित का एक अर्घ और दे दिया जाता है, इसलिए भाई जी
को तो वो नियम नहीं था, और भी हम लोग ऐसा नियम नहीं पालन कर पाते हैं कि समय से ही संध्या करें, बहुत लोग करते भी हैं। तो सेठ जी का ये था कि सूर्यास्त के पूर्व सायंकाल की संध्या और सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाल की संध्या, और उनका ये नियम था कि यदि समय पर संध्या अगर वो नहीं कर पाए, अगर सूर्योदय हो गया तो फिर एक समय वो उपवास करेंगे जी, जी, उनका नियम था। लेकिन ऐसा कभी अवसर आया नहीं उनके सामने। अच्छा। बराबर वो इसके लिए सन्नद्ध रहे जी जी, तो इस प्रकार का कोई नियम नहीं आया। दूसरी बात ये थी कि सेठ जी के कई नियम थे, वो मिल के कपड़े नहीं पहनते थे, और उनका मिल का कपड़ा पहन करके कोई भोजन नहीं बना सकता था उनका। कौन सा कपड़ा पहनते? मिल के कपड़े जो होते हाँ, थे हाँ, हाँ, खादी का कपड़ा, गोरखपुर की खादी ही पहनते थे वो। अच्छा। और गोरखपुर की खादी का कपड़ा पहन करके ही कोई महिलाएं भी अगर भोजन बनाती थी तो वो गोरखपुर की खादी की धोती बांध करके कर सकती थी, भोजन अच्छा, बना सकती थी। अच्छा। या कोई भी व्यक्ति भोजन बनाने वाला मिल का कपड़ा पहन करके नहीं भोजन बना सकता था। दिया सलाई को अशुद्ध मानते थे, दिया सलाई चौके में नहीं जाती थी। अच्छा, दिया सलाई नहीं, तो फिर किससे भोजन बनता था फिर? तो भोजन कैसे बनता था फिर? मिल का कपड़ा नहीं पहनते थे, ये दिया सलाई तो बाहर से अपना, बाहर से अग्नि बना करके भीतर ले जाया जाता था। अच्छा, ऐसा था क्या? अच्छा। इस तरह से उनके नियम बहुत थे, कई प्रकार की बातें थी। तो वो समय का और इन सबों का, सब चीज का, संध्या पूजा का समय का उनका निर्धारण था, खादी के कपड़े का नियम था, और भी बाकी वो जल का भी नियम था ना कि डोल जले, गंगा जल ही पीते थे बोलते हैं। हाँ, गंगा जल पीते थे, नल का पानी नहीं पीते थे, नल का पानी काम में नहीं लेते थे, कुएं का पानी चाहे गंगा जल ये लेते थे। और वो केवल अपने लिए नहीं, वो सबके लिए ऐसी व्यवस्था करते थे। इसलिए गोविंद भवन में और गीता भवन में उन्होंने औषधि बनाने का जो कार्यक्रम बनाया वो गंगा जल में बनता था, जिसमें वो केवल यही की औषधि का प्रयोग लेते थे, बाहर की औषधि नहीं लेते थे दूसरी जगह की। अच्छा। तो गंगा जल का तो उनका अटल नियम था उसमें। और उन्होंने, उनके साथ ये बात थी कि वो खाली अपनी व्यवस्था नहीं करते थे, सबके लिए करते थे। जो लोग उस नियम को पालन करे सबके लिए वो इस बात को करते थे। मतलब गंगा जल वहाँ भी, गोविंद भवन में भी, कलकत्ते में भी मंगा के रखते थे। यहाँ भी गंगा जल की का नियम था कि भाई वो जो लोग गंगा जल पीना चाहें उनके लिए वो आदमी लोग रहते थे जो गंगा जल पहुँचा देते थे कमरों में। जी जी। कुआं भी, सब कुआं की भी व्यवस्था थी, कूप जल का भी ये था। तो ये अपेक्षा करते थे कि जितने सत्संगी भाई हैं, जो लोग भी हैं, वो गंगा जल का सेवन करें और उसी प्रकार सब अपने नियम से रहें। बहुत लोगों ने उनका अनुकरण भी किया, उनका सेवन भी किया उस बात का। ऊर्ध्व वस्त्र नहीं पहनते थे, ऊपर अच्छा। से पहनने वाला वस्त्र नहीं पहनते थे, जैसे बगलबंदी, ये ऊर्ध्व वस्त्र का निषेध है। हाँ बाबू जी, बगलबंदी इत्यादि पहनते थे, तो सब देखते ही होंगे जो लोगों ने। हाँ, उस पुराना देखा, वो फोटो में बगलबंदी पहनी हुई थी। तो ये इस प्रकार के कई उनके नियम थे। और दूसरी बात, वो व्यापार बहुत अच्छे व्यापारी थे। अच्छा। सेठ जी के जैसा व्यापार करना सब लोग नहीं जानते थे, नहीं जान सकते हैं। उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया बड़ी सफलता पूर्वक किया, और जो कुछ किया सो वो सब अध्यात्म की दृष्टि से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ किया। अच्छा। जैसे गोविंद भवन में या गीता भवन में भी, उन्होंने जैसे गोविंद भवन में गोरक्षक जूते बनवाने की व्यवस्था की लोगों को उस समय। आजकल तो बहुत से बिना चमड़े के जूते बनने लगे बाटा इत्यादि में और कई जगह, पर उन दिनों ये सब नहीं बनते थे। तो उन्होंने उस वो गोरक्षक जूता बनाने की व्यवस्था की, उसी को का प्रयोग करते थे, स्वयं भी वही पहनते थे, लोगों को भी प्रेरणा करते थे उसे पहनने के लिए। ला की चूड़ियों का उन्होंने विरोध किया हिंसा के कारण, कांच की चूड़ियों, अच्छी से अच्छी कांच की चूड़ियां वहां पर उपलब्ध करवाई गोविंद भवन में, और खादी के वस्त्र उपलब्ध करवाए। इस तरह घी बनवा करके मंगवाते थे सामने,
बिहार से, खगड़िया इत्यादि से, कई जगह से, और सबको गाय सबको देसी घी अच्छा मिल जाए इसकी भी व्यवस्था करने की। और दूसरा उनके लेख जो हैं, उनकी बातें ऐसी थी, वो कहते थे कि व्यापार से मुक्ति जी हो सकती है। उनका ये सिद्धांत था कि व्यापार करने वाले लोग भी मुक्त हो सकते हैं संसार के बंधन से, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जी जी। तो उसकी प्रक्रिया वो भी बताते थे। व्यापार से मुक्ति होना कोई सामान्य बात थोड़ी है, किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता है कि व्यापार करने वाला व्यक्ति मुक्त कैसे होगा। व्यापार में तो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए व्यापार करते हैं, तो उसे मुक्ति कैसे हो सकती है। मुक्ति होने के लिए तो बहुत ये है। तो सेठ जी का ये सिद्धांत था कि ग्राहक को भगवत रूप में मानकर सेवा का भाव रखते हुए अगर कोई व्यक्ति व्यापार करे, उचित मुनाफा रखे, उसमें लोभ से बचकर रहे, तो फिर उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। यदि तो भगवान ने कहा ना कि अपना कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है अपने कर्म के द्वारा। मतलब ऐसा है कि हम लोग जैसे 2 घंटा बैठ के अगर पूजा कर ले, 1 घंटा बैठ के पूजा करते हैं, बाकी 22 घंटे क्या कर रहे हैं। तो जो आप पूजा कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा, और जो आप दूसरा काम करते हैं, अगर 22 घंटे में आपने कुछ झूठ बोला, असत्य भाषण किया और दूसरों को ठगने की चेष्टा की, ये सब किया, तो उसका भी तो फल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो ज्यादा समय आपने उस कार्य में लगाया और 2 घंटा बैठ के भगवान की पूजा कर लिया, कुछ सेवा का कार्य कर लिया, तो 2 घंटे का फल मिल जाएगा। इसलिए जीवन में कभी कभी दुख और सुख की स्थिति दोनों साथ साथ चलती है। कभी कभी दुख ज्यादा मिलता है, कभी कभी सुख ज्यादा है, दुख कमती है, लेकिन है तो सही दोनों ही। इसलिए अपना पूरा समय, जीव 24 घंटे का समय भगवान की पूजा में परिणित हो जाए, ये मुख्य बात है। और ये कैसे हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आप उस तरीके से, जो आदमी अपने कर्म को अपने, देखिए ऐसा है कि गीता में अर्जुन ने भगवान से कई प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न उसका ये भी है कि महाराज आप कर्तव्य कर्म के लिए तो कहते हैं कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, पर कर्तव्य का निर्णय कैसे होगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय कैसे होगा। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्याकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। और उसके साथ ये भी कह दिया कि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य कुरुते काम कारते, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी मनमानी करता है करेगा, तो उसको न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परमां गति, उसको न तो सिद्धि मिलेगी और न सुख मिलेगा और न परम गति प्राप्त होगी। जी जी। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए सेठ जी की बातें थी सब शास्त्र सम्मत थी, शास्त्र के अनुसार वो सारा कार्यक्रम उनका, शास्त्र के अनुसार जीवनचर्या उनकी और जो भी कुछ था वो शास्त्र के अनुसार थी। माता बहनों के लिए उन्होंने बोला बहुत जल्दी उनको भक्ति प्राप्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है। हाँ क्या जी, उन्होंने माता बहनों के लिए भी बोला कि अगर वो स्त्री हुए तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। जल्दी कल्याण हो सकता है। तो माता बहनों के लिए तो ऐसा था ना कि पातिव्रत धर्म का जो पालन करती है माताएं, उनका उनको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कहते थे कि इससे बढ़कर के तो कल्याण का मार्ग ही दूसरा नहीं है उनके लिए। अच्छा। सबसे बड़ा ये है। दूसरी जो जिनको वैधव्य प्राप्त हो जाता है, जो माताएं विधवा हो जाती हैं, उनके उनका जीवन साधु जीवन होना चाहिए। सेठ जी इस बात के लिए सन्नद्ध थे, उनको काशी भी आया करते थे बीच बीच में, जब अच्छा। जब वहां से बांकुड़ा से जब गोरखपुर जाते थे या गोरखपुर से जब बांकुड़ा जाते थे तो काशी में ट्रेन बदलनी पड़ती थी। तो अच्छा। यहाँ पर एजेंसी थी पेपर की, गीता प्रेस की, तो एक दिन सेठ जी प्राय यहाँ ठहरा करते थे, एक दिन सारा वहाँ का कार्यक्रम भी देखते थे और जिससे मिलना जुलना होता था वो मिलते जुलते थे सब लोगों से। अच्छा। तो मुझे स्मरण है एक व्यक्ति के यहाँ उनके लड़की कन्या का
कम उम्र में ही वैधव्य हो गया, पति का देहांत हो गया। यद्यपि सेठ जी से कोई ज्यादा उनका संपर्क नहीं था, कोई परिचय नहीं था, तो दामोदर जी डालमिया मैनेजर थे, वो सबका नाम वगैरह सब काम नोट करके रखते थे। तो उन्होंने सेठ जी को बताया होगा, तो सेठ जी वहां गए उनके पास जी, चल करके जी, काशी की बात है, और उनको जाके समझाया कि आप अपनी लड़की को हमारे सत्संग में भेजिए। और उनके मन में यह बात होती थी कि विधवा होने के बाद छोटी कन्याएं रहती हैं, उनका पुनर्विवाह न कर दिया जाए, अच्छा ठीक किया जाए, उनको उनको वो साधु जीवन वो व्यतीत करें, उसी में उनका कल्याण है, उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी उससे। जी जी तो ये उनका भाव था, इसलिए बहुत सी कन्याएं, बहुत सी लड़कियां वहां अपने गीता भवन में उन दिनों सत्संग में रहती थी, आती थी, दूर दूर से आती थी, और वो अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर रखा था सत्संग को। जी जी सेठ जी भी उनका सबका ध्यान रखते थे, उनके लिए सत्संग में बातें भी चलती थी, स्वामी जी से भी बहुत सी बात कहलाते थे, और इस तरह से उनको खुराक मिलती थी रहने की। और कैसे जी भाव था कि भाई विधवा विवाह का निषेध था सेठ जी के इसमें। अच्छा, अब भाई जी के संपर्क में भी रहे थे? हाँ, भाई जी के भी भाई जी से संपर्क मेरा सेठ जी की अपेक्षा कुछ कम था, लेकिन भाई जी का भी संपर्क मिला, और सेठ जी से तो ज्यादा संपर्क मिला, इसलिए कि वो काशी आते थे तो उनके साथ में रहता था, पिताजी हमको उनकी प्रेरणा से मैं सेठ जी के साथ ही मैं रहता था, सेठ जी जब जाते थे तो उनके साथ ही बैठता था मैं। और तो सेठ जी में बाबूजी ऐसा क्या आकर्षण था, आप तो उस समय जवान युवा अवस्था में सेठ जी तो। सेठ जी की दो तीन बातें बड़ी मुख्य थी, एक तो कहीं कोई विवाद हो जाता था तो उसकी पंचायती कर देते थे, मतलब उसका विवाद मिटाने की चेष्टा करते थे, कोई मुकदमेबाजी ना हो, जैसे आपस में भाइयों में भी हो जाता था और भी कहीं कुछ हो जाए, सेठ जी को मालूम हो और सेठ जी को कोई बीच में डाले, तो सेठ जी दोनों को खुश करने की चेष्टा रखते थे कि दोनों को प्रसन्नता से उसको उसकी वो विवाद को समाप्त करना। और दूसरा, कोई व्यक्ति है तो उसका काम, वो अगर कोई जॉब लगाना है तो उसका कहीं काम में लगा दिया जाए, व्यापार करना है तो उसको व्यापार में लगाने की चेष्टा करते थे, मतलब सेठ जी उसको कैसे उसकी वो प्रारंभ हो जाए, मतलब आए उसको, आमदनी उसकी होने लगे, उसका काम चलने लगे, ये सेठ जी का भाव रहता था। और तीसरा, संबंध भी सेठ जी कोई अच्छे सामने आते थे, उसकी चेष्टा करा देते थे लोगों के, जिसमें सत्संगियों में ध्यान रखता था उनका इसका इस बात का। तो मतलब इस तरह से सेठ जी का जो ये कर्म योग जो था ना, वो बड़ा ये था, विचित्र था। और उसमें एक बात और थी कि मेरे सामने किसी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी की मुख्य बात थी कि अनासक्त भाव से आसक्ति रहित हो करके कहा कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, उसमें योगस्थ गुरु कर्म उसने कहा है कि योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समभूत्वा समस्तम योग उच्यते। तो एक व्यक्ति ने मेरे सामने की बात है सेठ जी से पूछा कि सेठ जी अनासक्त भाव से कैसे व्यापार इत्यादि और इतने घर के जो काम है सब अनासक्त होकर कैसे किया जा सकता है जी, कैसे करें। तो सेठ जी ने कहा कि जी हाँ, मैं गीता प्रेस को काम अनासक्त भाव से करा जी, आते भी थारो काम अनासक्त भाव से करो। अच्छा। तो सेठ जी का भाव, सेठ जी के पास कुछ अंग्रेज वो महेश ऋषि थे, महेश जोगी। हाँ, जी बाबू जी। हाँ, क्या बोले? महेश योगी, महेश। हाँ, महेश योगी थे ना, पीछे अपने ऊपर आश्रम था ना उनका, बेटवक्स में ऊपर। महेश वो पहले पहल जब वो विदेश गए ना, तो विदेश से वहां से करीब 45 लोगों को वो लेकर के आए। अच्छा। वो भी एक जगह के नहीं, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से दो आदमी, कहीं से चार आदमी, कुछ महिलाएं, कुछ मेल और कुछ फीमेल, दोनों तरह के लोगों को लेकर आए। तो करीब 25 तो थे महिलाएं और 20 मेल थे, ऐसे करीब 45 आदमी थे।
उनके पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं, यहाँ कोई रामनगर बोल करके ऋषिकेश में कहीं कोई जगह थी, वहां उन्होंने उनको सबको ठहराया और भोजन की सबकी कोई व्यवस्था नहीं थी। जी और जी भोजन इत्यादि की कोई चीज की व्यवस्था उनके पास नहीं थी, तो सेठ जी से उन्होंने संपर्क किया, सेठ जी ने कुछ उनको सहयोग किया, कुछ मदद की। अच्छा, तो वो दो आदमियों को रोज भेजते थे सेठ जी से सत्संग करने के लिए। अच्छा, एक दुभाषिया भेजते थे हाँ, साथ में, जो सेठ जी की बात सुन करके और उसको अंग्रेजी में बताए। अच्छा अच्छा, मैं प्राय सेठ जी के पास वहाँ बैठता था कई बार। तो वो लोग कुछ अपनी बात कहते थे तो दुभाषिया सेठ जी को बोलता था, सेठ जी फिर उसका उत्तर देते थे। अच्छा, दुभाषिया कहता था उनको, तो कई बार ऐसा हुआ कि वो दुभाषिया पूरी बात नहीं बोलता था उन लोगों को। अच्छा, अच्छा, तो हम बीच बीच में हम भी उसको सहयोग करते थे, हम बोलने लगते थे। अच्छा, तो फिर सेठ जी का ऐसा था कि जब वो आते थे तो आदमी दौड़ाते थे हमको खोजने के लिए। अच्छा, आपको सेठ जी खोजने बुला रहे हैं। अच्छा, आ जाते थे किसी भी समय, आ जाते थे सवेरे तो, अच्छा, तो हम भी पहुंच जाते थे वहां। हाँ, सुनते थे बराबर। अच्छा, तो सेठ अच्छा, जी उनको ये कहते थे, अनासक्त भाव की बात हम कह रहे हैं कि हाँ, अनासक्ति के लिए लोग पूछते थे कि अनासक्त होकर कैसे किया जा सकता है, संग अनासक्ति भाव से कैसे अपना काम किया जा सकता है, अच्छा, व्यापार या कोई भी चीज कैसे की जा सकती है। तो सेठ जी कहते थे जी, कैसे एक मैनेजर, ईमानदार मैनेजर, हाँ एक ट्रस्टी जी, कोई काम संभालता है, करता है, पर उसके हाँ मन में यह भाव रहता है कि हमारी चीज नहीं है, जी मालिक की है, पर जी लेकिन उसकी तत्परता में, उसकी ईमानदारी में और उसके उसकी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं रहती है। तीन बात की मुख्यता थी, एक तो ईमानदार होना चाहिए, एक तत्पर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉम्प्टनेस और जिम्मेदारी, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, और ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉम्प्टनेस, ये तीन बात मुख्य सेठ जी की थी कि तीन बात होनी चाहिए। और जो आदमी ईमानदार मैनेजर होगा या ट्रस्टी होगा तो वो जैसे उस संस्था को, उस प्रतिष्ठान का काम करता है, वैसे आप भी अपने काम करिए। इसको सबको भगवान का मानिए। यहाँ जो कहा है ना कि निर्ममो निरहंकार स शांति बदिगच्छति, इसको शांति चाहिए पूरी तरह से। उसके लिए गीता के दूसरे अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, उसका पहला अंतिम का पहला है जी, 71वां है ये। तो उसमें उसमें वो कहा है कि भाई इसके लिए आप निष्प्रिय, हाँ, और जी निर्मम, तीन बातें कही है कि जो इसको करेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो जी, बात यह कि निर्मम का मतलब है कि अपना नहीं मानना, जी ममत्व जो है, ममत्व, ममता और अहंता, ये दो ऐसे चीजें हैं जो आदमी को, वही सबसे ज्यादा बाधक है जी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ममता जब ये हमारी चीज है, हम हैं ये, जब ममत्व इसी का नाम है, तो जब आप सबको आप भगवान का मान लेंगे, हमारे परिवार के जो लोग हैं, बच्चे हैं हमारे और जो भी लोग हैं, वो सब हमारे नहीं है, सब भगवान के हैं। हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो धन है, हमारा मकान है, ये सब भगवान का है, हमारा नहीं है। तो अगर ये भाव मन में दृढ़ता से बन जाए तो ममता समाप्त हो जाएगी। समाप्त होगी तो जो भगवान का है, तो आप कैसे कोई ट्रस्टी किसी संस्था का काम देखता है, जैसे कोई मैनेजर किसी का काम देखता है किसी जगह का, तो उसको उसके मन में ये भाव रहता है ना कि हमारी चीज नहीं है ये, मालिक। तो लेकिन काम में कोई कमी नहीं है, काम देखने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो सेठ जी की ये बात थी कि तत्परता में कमी नहीं आनी चाहिए, जिम्मेदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, और जिम्मेदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद उस काम को आप करते रहिए और दूसरों की सेवा में लगाइए। उस जब भगवान की चीज है तो भगवान के कार्य में लगना चाहिए समय पर, जहाँ भी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता, अपने लिए जितना आवश्यक है उतना रखिए और बाकी
भगवान के काम में लगाए जी। बावजूद तो अहंकार का मतलब ये है, अहमता से बचने की बात ये है कि ये एक बार भाई जी ने कहा कि भगवान की कृपा सब पर है और निरंतर है। ये भाई की बात मैं बोल रहा हूँ कि भगवान की कृपा निरंतर है, सब पर है जी। तो लेकिन उसकी अनुभूति सबको एक जैसी नहीं है, अलग अलग होती है जी। तो हम अगर किसी कार्य में सफल होते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि हम देखो कितने बुद्धिमान हैं, हमने ऐसा कर लिया, ऐसा इस काम में हम सफल हो गए। कृपा की अनुभूति नहीं होती है, भगवान की कृपा से ऐसा हो गया जी, भगवान जी। ने ऐसा करा दिया तब हो गया। तो ये अहंकार अपना जो है जी, हम जिसमें अहम की भावना आती है कि हमारे द्वारा ऐसा हो गया, हमने ऐसा कर लिया जी, तो ये अहंकार है। तो ये दो चीज, ममता और अहंता, ये दोनों चीज आदमी के साधक के बाधक हैं जी बातों में। तो इस प्रकार तो बाबू जी, एक हमारी बहन है जो आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, तो वो पूछ लें क्या? पूछिए। हाँ चंद्र जी पूछो आप। बाबू जी प्रणाम, राम राम। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे कल्याण आप लोग संकीर्तन के लिए बहुत लोगों को प्रेरित करते हैं, कितने सालों से ये कार्यक्रम कल्याण के द्वारा चल रहा है और इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, और जब मैं छोटी थी तब से देख रही हूँ कि उस महामंत्र का जब बहुत लोग करते हैं और उसका उसमें सबका नाम, तो हमारी भी रिक्वेस्ट है कि गीता प्रेस के द्वारा बच्चों के लिए किसी प्रयास होने चाहिए, जिससे आज बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाने के बजाय हमारी भारतीय संस्कृति और ग्रंथों की तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि अगर इस पीढ़ी ने ये काम नहीं किया तो इनको कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा कि हमारा ग्रंथ क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। और ये हो सकता है, आज हम जो शिकायत करते हैं कि ये काम बच्चे करते नहीं है, इस तरफ आते नहीं है, तो इसमें लगता है कि हमारी जो हम पीढ़ी में, हमारी जनरेशन ये काम नहीं कर रही है। क्योंकि जोधपुर में इस तरह का प्रयास करने से लगभग 700-800 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और काफी बच्चों को 18 अध्याय पूरे याद हो गए हैं, लगभग 25-30 बच्चों को तो थोड़े ही प्रयास में 18 अध्याय उन्होंने पूरे याद कर लिए। 50-60 लगभग बच्चे हैं जिन्होंने 13 मतलब 9 अध्याय से ऊपर, किसी को 13-14-15 ऐसे। तो अगर गीता और जोधपुर की आवाज साफ करो, सिर्फ जोधपुर तक जी जी, आपको नेटवर्क कम आ रहे हो, थोड़ा नेटवर्क में आओ। मुझे सुनाई पड़ रही है सारी बात आपकी। तो जोधपुर, राम राम बाबू, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है जी। तो जोधपुर में लोग जो काम कर रहे हैं, इस टीम, ये टीम काम कर रही है, तो वो तो सीमित है, लेकिन अगर गीता प्रेस के द्वारा ये काम होगा तो ये असीम होगा। गीता प्रेस के द्वारा कोई काम होना चाहिए। मैं बोलूं क्या अपनी बात? हाँ बाबू जी बोलिए बोलिए, आप बताइए। देखिए आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, ये बात बहुत लोगों के मन में है और आती है, हम लोगों के मन में भी आती है बराबर, हम लोग भी इस बात को समझते हैं। पर आज जोधपुर में जो आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये बहुत, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, मतलब इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है आज के समय में, इसलिए कि मैं जैसा देख रहा हूँ, हम लोगों की तो जो समस्या है वो अलग बात है। कल्याण के द्वारा और गीता प्रेस के द्वारा होना चाहिए, ये बात कहनी तो बहुत सरल है, लेकिन इस समय जो संस्थाओं में काम करने की जो स्थिति है वो इतनी कठिन है। आप छोटे मोटे ट्रस्ट भी आजकल नहीं चल पा रहे हैं, जो पूर्वजों ने बना दिए चैरिटी के लिए, अध्यात्म के लिए कहीं भी, तो उनके आगे की जो आगे के जो परंपराएं हैं उसके अनुसार वो लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। ये मैं काशी में कई संस्थाओं को मैंने देख रहा हूँ जो बंद होने जा रहे हैं और या किसी तरह से अंतिम सांस ले रहे हैं, जिसमें एक आदमी दो आदमी किसी तरह उसको चला रहा है। तो गीता प्रेस तो भगवान की कोई संस्था है। ये मुझसे एक संत ने कहा कि गीता प्रेस की स्थापना किस मुहूर्त में हुई है, जब से ये स्थापित हुआ तब से ये अभी तक प्रगति पर ही है, उन्नति पर ही है, मतलब अभी तक ये खत्म नहीं हुई है संस्था। तो ये सेठ जी का सत्य संकल्प था, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है कि आज गीता प्रेस भी
उसी लाइन पर उसी सिद्धांत के अनुसार चल रही है। पर हम लोग जो अपेक्षा करते हैं गीता प्रेस से कि ये भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसके बारे में बच्चों के लिए कई बार ये विचार किया गया, सोचा गया कि इसके लिए हम लोग कल्याण में या कल्याण के अतिरिक्त कोई ऐसी पत्रिका निकाली जाए, ऐसी योजनाएं बहुत हैं पर इसको करने वाले लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। कल्याण के में का भी आगे भविष्य कैसे क्या होगा ये पता नहीं। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप कोई उत्तराधिकारी आप आज सोचिए, मैं भी तो आखिर मेरी भी तो एक सीमा ही है, मैं भी तो अपनी प्रौढ़ावस्था में हूँ। तो इसलिए वो बात यह है कि कई बार ये बात आती है गुजराती में कल्याण निकाला जाए, अंग्रेजी में कल्याण निकाला जाए। आज के जो बच्चे हैं उनको लोग अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं, कंटेनमेंट में पढ़ाते हैं, देहातों में भी ये स्थिति हो गई है और इसलिए उनकी संस्कृति बिल्कुल भारतीय संस्कृति से काफी विपरीत स्थिति में मामला चल रहा है। जो संपन्न परिवार के लड़के हैं वो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं विदेश के नाम से, और कई लोग विदेश में जाकर के वहां बस जाते हैं, वहां से वापस नहीं आते हैं, आना चाहते हैं। माता पिता के इकलौता बेटा है और वो विदेश में ही रह रहा है कि हम तो यहीं रहेंगे, विवाह कर दिया उसका और वो विदेश में रहना चाहता है, ऐसी भी स्थिति है। तो ऐसा है कि और दूसरे जो यहाँ हैं बच्चे जो विदेश से पढ़ के आते हैं या नहीं यहाँ भी जो पढ़ते हैं वो पढ़ करके निकले हैं, उनकी वो उनकी जरा भी रुचि नहीं है पढ़ने की, आपके आध्यात्मिक वस्तु को पढ़ने की रुचि नहीं होती है। और खास करके मैंने कई बच्चों को ये देखा कि वो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं ठीक से। हिंदी पढ़ने में मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि हिंदी पढ़ने में हमको एक पेज पढ़ने में 2 घंटा लगेगा और 1 घंटे में हम 10 पेज अंग्रेजी की पढ़ सकते हैं। तो कई बार ये मन में बात आती है अपने अंग्रेजी की निकालें उनके लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी रुचि लाना बहुत कठिन समझ में आता है। यद्यपि करना चाहिए, करने से कुछ ना कुछ तो उसका लाभ हो सकता है, होगा। आपकी बात बहुत अच्छी है, गीता प्रेस को भी करना चाहिए। अब गीता प्रेस में देखिए जो चल रहा है उसी को किसी तरह चलाया जाए, जो लोग हमारे ट्रस्टी है जो लोग कर रहे हैं वो लगभग वृद्ध हो गए हैं कई लोग, और अंतिम स्थिति में है केशवराम जी हैं या मैं हूँ या हमारे चांदगोटिया जी हैं और जो भी लोग हैं वो सभी ये बैजनाथ जी हैं। आप जो इतने लोग अब नए लोगों को हम लोग लेना चाहते हैं, पर जो पूरा समय दे, समय देने वालों को, मतलब हमारे यहाँ सदस्य बनने के लिए तो सब तैयार है लेकिन मीटिंग में आ जाएंगे कभी 2-4 महीने में मीटिंग होगी तो, लेकिन समय देने के लिए कोई तैयार हो कि हम अपना पूरा समय गीता प्रेस के लिए देंगे, ऐसे लोग को हम खोजते हैं कि कुछ तो वैसे लोग मिले तब हो, और ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई मिलते नहीं है कि जो पूरा समय गीता प्रेस को दो। उनमें योग्यता भी होनी चाहिए कि संभालने की और भी सारी बातें होनी चाहिए उस तरीके से सारी बात हो, तो फिर भी प्रयास तो हो रहा है, कुछ चेष्टा हो रही है। भगवान की संस्था है, भगवान ही इसकी व्यवस्था भी करते हैं और करेंगे, और आपका सुझाव बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी इस बात को ध्यान में करते हैं। अभी हम लोगों ने विचार किया है कि अंग्रेजी का जो वो कल्याण कल्प शुरू निकलता है उसकी साइज जब कल्याण की बना दी जाए और कल्याण का ही अनुवाद ट्रांसलेशन उसमें कर कर के कल्याण के रूप में ही निकाला जाए अंग्रेजी की, और उसमें ये चेष्टा हम लोग करें कि भाई बच्चों के चीजें भी उसमें ज्यादा से ज्यादा रहें जिसमें बच्चे लोग भी उसे लाभान्वित हों। इस प्रकार का योजना और विचार तो है, पर कितनी सफलता मिलेगी ये भगवान की पर निर्भर करती है, भगवान की कृपा पर निर्भर करता है ये सब कुछ है। और बाबू जी जैसे कि अपने गीता प्रेस में सेठ जी हुए, भाई जी हुए, महाराज जी हुए, इतने इतने महापुरुष हुए हैं, तो आपको इस मतलब आपको किस एंगल से देखते हो इस संस्था को फिर आप? ऐसा है जी कि इन महापुरुषों ने जो सिद्धांत निर्धारित किए हैं उस सिद्धांत पर अभी तक तो गीता प्रेस चल रही है हमारी समझ से, इसमें उतार चढ़ाव तो बहुत आए, बीच में कई संघर्ष भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने कृपा करके सब ठीक कर रखा है और चल रहा है। देखिए किसी भी संस्था में जब तक एक रूपता नहीं रहती है आपस में तब तक वो संस्था ठीक से नहीं चल सकती है, और भगवत कृपा से अपने यहाँ एक रूपता है कल्याण में। जो भी बात हम लोग गीता प्रेस के ट्रस्ट में जो भी बात हम लोग निर्धारित करते हैं वो
प्राय करने की चेष्टा की जाती है, पर करने वाले लोगों की कमी जरूर है सामने जी। तो ये कठिनाई जरूर है। अब वो मेरा तो एकदम स्पष्ट रूप से ये विचार है, ये भाव है कि ये भगवान की संस्था है और भगवान ही इसको चला रहे हैं। हम लोग खाली निमित्त मात्र एक उसका एक यश भले ही मिल जाता है कि हाँ ये देख रहे हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं, फलाने हैं, ये सब बातें हैं, पर करने के लिए मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, सच्ची बात ये है, और केवल संपादन का काम थोड़ा सा देखता हूँ। काशी में ही है संपादकीय विभाग, तो जो नई पुस्तकें बनती हैं, चाहे कल्याण जो बनते हैं, छपते सब गोरखपुर में हैं, वहीं से बाइंड होते हैं, वहीं से वितरित होते हैं, यहाँ से केवल मैटर बना करके भेजते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत समय जो कुछ मैं लगा सकता हूँ मैं उसमें जरूर लगाता हूँ, और बाकी मैं करता कुछ नहीं हूँ। सब जगह काम हो रहा है, गोरखपुर में भी सारा काम हो रहा है, गीता कुंड में भी हो ही रहा है, कठिनाइयां कुछ आती हैं सब, उसके बावजूद भी सब बातें हो रही हैं, सब हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे पा रहे हैं जी। अभी तो आज मोहता जी भी इसमें आए हुए हैं, गौरी शंकर जी मोहता जी भी आ गए इसमें। हाँ, गौरी शंकर जी मोहता है ना, वो तो गीता भवन में है अभी इस समय। नहीं, अभी इस मीटिंग में भी आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? इस मीटिंग में, कलकत्ते में थे गौरी शंकर जी मोहता। हाँ, अभी इस मीटिंग में आए हुए हैं बाबूजी, इस मीटिंग में भी है। अच्छा अच्छा, वो भी सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, गौरी शंकर जी मोहता तो खैर कर ही रहे हैं, बहुत जी देख रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जी जी। उनका उनका बहुत योगदान है गौरी शंकर जी का भी जी जी। और ऐसे ही ठाकुर जी प्रेरणा करके सब करवा रहे हैं, सच्ची बात तो ये है, और नहीं तो किसी के बस की बात नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा काम ये गीता प्रेस जैसी संस्था चल रही है, ये कम आश्चर्य नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से चल रही है, ठाकुर जी करा रहे हैं, और ठाकुर जी अपना अपना निमित्त किसी को बना रखा है और वो कार्य को करा रहे हैं जी। हम लोग भी सत्संग से जुड़े हुए हैं, सब लोग सत्संग करते हैं इस बहाने, बहुत अच्छी बात है। बहुत हम तो आपसे सुनना चाहते हैं बाबूजी, इससे बातें सुनिए पुरानी, ताकि लोगों को पता चले गीता प्रेस के विषय में, कोई अपने सेठ जी के विषय में, महाराज जी के विषय में। हाँ, वो तो ठीक बात है, तो महाराज जी के संपर्क में भी हम रहे हैं काफी। हाँ, महाराज जी संपर्क में बहुत रहे हैं। बाबूजी, आज का समय लगभग पूरा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आपने भी आप मौका दिएगा हमारे को, फिर कुछ सुनाइएगा कुछ भी संस्था के विषय में, कुछ महापुरुषों के विषय में, तो हम चाहेंगे कि आपको स्वास्थ्य अनुकूल रहे और आप सुनाते रहे हमारे को इसी तरह। अभी तो मैं कल प्रयाग जा रहा हूँ 10-12 दिन के लिए। अच्छा, अभी माघ, वो माघ मेले में प्रयाग में अपना कैंप रहता है। हाँ, प्रयाग में कैंप रहता है अपना जी। अच्छा, उसमें जा रहे हैं हमारी माता जी, पिताजी, ये लोग कल्पवास किया करते थे बराबर जी, जी, आप भी तो जाते हैं हमेशा, और उनके बाद फिर मैं भी करने लगा था जी, मेरा जी। अभी तक मैं प्रतिवर्ष कल्पवास करता था, वहाँ एक महीने रहता था जी, मेरे जी। साथ किस कुमार भी रहने लगे थे जी, अब वो, पर इस वर्ष अब हम लोगों ने थोड़ा उसमें कटौती कर दी है। कैंप तो हमारा है वहाँ, एक महीने के हिसाब से लगा हुआ है, जो लोग कैंप में और लोग आना चाहते हैं वो आते हैं वहाँ पर, है कि सब व्यवस्था है। हम अब की बार 10-12 दिन ही रहेंगे वहाँ, पूरा समय नहीं रहेंगे जी जी। ये विचार कर रहा है। गीता प्रेस की जो भी पुस्तकें हैं बाबूजी, वो अपने अभी गीता प्रेस वापस फुल स्विंग में चल रही है एकदम। अच्छा, क्या कहा? गीता प्रेस की जो पुस्तकों का प्रोडक्शन हो रहा है वो वापस फुल एकदम चालू हो गया प्रोडक्शन, और सारा पूरा अभी कोरोना के बाद में। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से चल रहा है जी। अच्छा, गीता प्रेस में पुस्तकों की डिमांड बहुत अच्छी है इस समय, और आजकल ऑनलाइन भी पुस्तकें जा रही हैं, विदेशों में भी जा रही हैं, और यहाँ भी काफी उसकी मांग है, और गीता प्रेस भी ठीक से चल रहा है इस समय। बहुत ही अच्छा, कोरोना का कोई उस पर असर नहीं आया ज्यादा, जितने दिन बंद रहा उतने दिन तो बंद रहा जरूर, पर अब जब खुला है तो काफी अच्छा चल रहा है जी। अच्छा बाबूजी, ठीक है बाबूजी, अच्छा, बहुत बहुत आपको प्रणाम, आपका लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, राम में सब जग जाने करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी जी। बाबूजी, भगवान की कृपा
बनी रहे सब लोगों पर, भगवान में हम लोग अपना पूरी आस्था और विश्वास के साथ उसमें लगे रहें। बस गीता का एक ही ये है कि सब कुछ अपना, जितना भी कर्म जितना भी काम है सबको भगवान में समर्पित कर दिया जाए, भगवान के वो मन मना भाव मत भक्तो मद्याची मांग नमस्कुरु ममैव स्यसि युक्ते वम आत्मानम बस परायणम, मेरे परायण हो जाओ भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे में अपना मन लगा लो और मेरे भक्त बन जाओ और इस तरह से मुझे को नमस्कार करो। तो सब में भगवत बुद्धि बना करके भगवान को स्मरण रखना चाहिए, यही गीता का और अपने स्वामी जी का, सेठ जी का, सबका यही है। अब ये तत्व विवेचनी जो है ये गीता प्रेस की एक आधिकारिक गीता है और इसको सब लोगों ने देखा, भाई जी ने जब ये छपने के पूर्व भाई जी ने पहले इसको देखा और स्वामी जी ने, राम सुखदास जी महाराज ने भी इसको देखा, स्वामी अखंडानंद जी ने भी इसको देखा और उसमें ये विचार रखा गया, भाव रखा गया कि किसी का खंडन मंडन नहीं हो जी, कोई किसी का भी कोई, जैसे शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, भारकाचार्य हैं, सब ने गीता पर अपनी अपनी बातें लिखी हैं लेकिन सबकी बातें शास्त्र सम्मत हैं और उनका किसी का खंडन नहीं हो ये ध्यान रखा गया। इसलिए गीता प्रेस की जो ये पुस्तक है और फिर स्वामी जी महाराज ने, उनका जीवन तो गीतामय था, स्वामी जी का गीतामय तो सेठ जी का भी था ही, स्वामी जी भी गीता के कारण ही सेठ जी से मिलने आए और स्वामी जी तो इसमें रचे पचे थे गीता में और वो जितनी बार गीता पढ़ते थे उतनी बार उनको नए नए भाव आते थे उनके मन में और जो किसी के मन में नहीं आए वो भाव स्वामी जी के मन में आते थे, इसलिए उनके मन में आता था कि उनको हम लिखवाए करें। वो जितनी बार पढ़ते थे पहले गीता प्रेस से जो छोटी पुस्तकें छपी थी स्वामी जी की, कर्मयोग इस तरह से छोटी छोटी किताबें भी छपी थी, तो उनमें जो भाव था उससे अलग भाव है इस साधक संजीवनी में जी। काम हुआ तो साधक संजीवनी लिखने के बाद फिर स्वामी जी में नए भाव आने लगे तो जी। एक बार मेरे से बात हुई, मैंने स्वामी जी ने कहा कि मैं सातवां अध्याय लिख रहा हूँ और वो हमारे तो नए भाव आ रहे हैं उससे अतिरिक्त है, तो मैंने कहा महाराज जी आप ऐसे लिखेंगे और छपेंगे तो इस बात इससे बहुत गड़बड़ होगा, लोगों के मन में ये होगा कि ये बात ठीक है कि ये भाव ठीक है। अच्छा, विनायक जी से भी हमने कहा कि बोले नहीं अब आगे नहीं छपने देंगे हम, आगे स्वामी जी के सामने रखेंगे भी नहीं लिखने के लिए, बात ठीक है। तो इस तरह से स्वामी साधक संजीवनी में तो स्वामी जी ने साधना की बातें बहुत लिखी है, बहुत विस्तार से सारी बातें लिखी है। बात यह कि ज्यादा विस्तार है उसमें और उसमें साधना की बातें हैं और उनके अपने भाव हैं, वो भाव टकराते भी हैं कई जगह पे, जैसे जी के जो पहले के भाव हैं या और आचार्यों के जो भाव हैं उनसे स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को लिख भी दिया अपने कि मेरा किसी का विरोध का मेरा भाव नहीं है पर मेरे मन में जो बात आती है गीता पढ़ करके वो मैंने इसमें लिखी है। ठीक है, अब तो समय समाप्त हो गया इसलिए आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। जी बाबू जी प्रणाम करते हैं और फिर आगे मौका दीजिएगा जब कभी आपको समय अनुकूल पड़े, स्वास्थ्य अनुकूल हो आपका। जी बाबू जी प्रणाम बोलिए। अच्छा प्रणाम। राम राम। सोमवार को एकादशी है भैया, उसकी अनाउंसमेंट। हाँ सोमवार को, आने वाले सोमवार को एकादशी रहेगी, एकादशी का अपने बच्चे पाठ करते हैं गीता जी का, तो इस बार 13 से 18 अध्याय होगा उसमें, तो जो लोग सब अभी जुड़े हुए उनसे निवेदन है कि सही समय 3 बजे गीता प्रेस अपने गीता बाल संस्था के बच्चों द्वारा मूल पाठ गीता जी का किया जाएगा सोमवार को एकादशी को। नारायण 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 नारायण। हाँ अरे बाबूजी भी आए हुए हैं, बाबूजी बाबूजी को बाबूजी खोल दो नीलू। हाँ बाबू जी बोलो। ठीक है, खूब खूब धन्यवाद आपको। धन्यवाद नहीं है, अब सोने भी आना ही मैं। हाँ हाँ जरूर जरूर जी, आपके साथ जुड़े हुए हम, बिल्कुल चिंता मत करिए। नहीं वो तो ठीक है, इस बार तो खाली मैंने आपको इसलिए देखा कि आप देख लो इस तरह से होता है, अगली बार हम आपको बुलाए तो आप ऐसे जवाब दे सको सब। जरूर जरूर साहब जरूर, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।
आपको एक हफ्ते में छोड़ने वाले नहीं है, हम आपको दो तीन हफ्ते देने पड़ेंगे कम से कम। जय श्री राम।